अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टू ड्रॉ डायरेक्ट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स टू टू इक्वल सर्कल्स। यानी कि हमारे पास दो इक्वल सर्कल्स हैं, हमने उनके कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि डायरेक्ट हों या एक्सटर्नल हों। तो वो भी देखेंगे हम डायरेक्ट या एक्सटर्नल टेंजेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दो इक्वल गिवन है हमारे पास कि दो सर्कल्स हैं ऑफ इक्वल रेडियस। तो हम यहाँ पर दो इक्वल सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, से इसका हम सेंटर कुछ कह देते हैं, से इसका सेंटर O है। एक और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इसी रेडियस का, उसके सेंटर को हम O प्राइम का नाम दे लेते हैं। तो यहां पर हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसके सेंटर को भी कुछ नाम दे देंगे इसी तरह। हाँ जी, तो इसके हमने सेंटर को पॉइंट O प्राइम का नाम दे लिया। अब हम ये करेंगे, ये हमें गिवन था, अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले करेंगे पॉइंट O को O प्राइम के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमने पॉइंट O को O प्राइम के साथ ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट हम दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो सेंटर्स हैं, इनके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने कंपास को मुनासिब ओपन किया, पॉइंट O को मरकज माना और एक एंगल ड्रॉ किया। यहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखा, एक आर्क लगाई, इस पॉइंट को मरकज माना और सेकेंड आर्क लगाई, और ये एंगल 60 डिग्री बना था। इस पॉइंट पर हम कंपास को आग रख के लगाएंगे तो ये 60, और यहां पर रख कर लगाएंगे तो ये 120, इन दोनों को ये बाईसेक्ट कर देगा। इस पॉइंट को हम पॉइंट O के साथ मिला देंगे और दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा पॉइंट O के ऊपर। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पॉइंट O को इस इंटरसेक्टिंग आर्क से मिलाती हुई। इस पॉइंट को हम पॉइंट A का नाम दे लेते हैं, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया सर्कल को, और इस पॉइंट को जहां पर इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने सर्कल को, उसको पॉइंट B का नाम दे लेते हैं। तो जिस तरह इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी तरह O प्राइम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। उसी तरह कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट O को मरकज मानेंगे और इस तरह एक एंगल लगाएंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखेंगे, ये 60 डिग्री एंगल बनेगा, यहां पर 120, फिर इसको बाईसेक्ट कर देंगे। और इस पॉइंट को पॉइंट O प्राइम के साथ मिला देंगे तो ये हमें सेकंड लाइन मिल जाएगी। इस पॉइंट को हम जिस तरह इधर A का नाम दिया था, इस पॉइंट को हम A प्राइम का नाम दे लेते हैं, और इस तरह जिस तरह यहां पर हमने पॉइंट B का नाम दिया था, इसको हम पॉइंट B प्राइम का नाम दे लेते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब A और A प्राइम को आपस में मिला देते हैं। तो ये हमें एक एक्सटर्नल टेंजेंट मिल गया, या डायरेक्ट टेंजेंट भी इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह नीचे वाले पॉइंट्स को भी हम आपस में मिला देते हैं तो हमें सेकंड एक्सटर्नल और डायरेक्ट टेंजेंट मिल जाएगा। अब ये डायरेक्ट और या डायरेक्ट या एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होते हैं, इसका भी हम देखते हैं। इसको भी तो ये B और B प्राइम को आपस में मिला दिया तो ये दूसरा एक्सटर्नल और डायरेक्ट
कॉमन टेंजेंट हमें मिल गया। तो डायरेक्ट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट वो होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सर्कल है, तो इनका ये कॉमन टेंजेंट है, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये ए ए प्राइम, ये इस सर्कल का भी टेंजेंट है और इस सर्कल का भी टेंजेंट है। तो जब ये हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के जो दोनों दो दोनों सर्कल्स हैं उनके मराकज एक ही तरफ हों, यानी कि हमने ये लाइन लगाई ए ए प्राइम, इसका मरकज यानी कि इसका सेंटर और इसका सेंटर इस लाइन के एक ही तरफ वाके है, तो ऐसा टेंजेंट डायरेक्ट या एक्सटर्नल टेंजेंट कहलाता है। ऐसे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे इस तरह, तो ये वाला जो टेंजेंट होता ये इंटरनल टेंजेंट होता, यानी कि इस तरह जो लाइन लगती ये इंटरनल टेंजेंट होता, या इसको हम ट्रांसवर्स टेंजेंट भी कहते। तो इसमें ये होता है कि ये वाला जो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते तो इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर उस लाइन के अपोजिट साइड्स पर होते, तो ऐसे टेंजेंट को हम इंटरनल टेंजेंट या ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते हैं। तो इस तरह हमने ये दो सर्कल ड्रॉ कर लिए और उनके कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जो कि डायरेक्ट या एक्सटर्नल हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पॉइंट ओ और ओ प्राइम पर दो सर्कल्स ड्रॉ किए थे ऑफ इक्वल रेडियस। आफ्टर दैट हमने ओ और ओ प्राइम को मिला लिया, ओ के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और लाइन ड्रॉ की ए भी, इसी तरह ओ प्राइम के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और लाइन ड्रॉ की ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम को ए के साथ मिलाया, बी प्राइम को बी के साथ मिलाया, तो दो हमें टेंजेंट मिल गए, एक ए ए प्राइम और दूसरा बी बी प्राइम, ये दोनों एक्सटर्नल या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं इन दो सर्कल्स के। तो इस तरह ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।